सात महीने से वेतन नहीं मिलने से राजमहल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। 3 घंटे तक रहा कामकाज ठप। राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। वही वेतन भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर अस्पताल परिसर के मुख्य गेट के सामने CHO सामिया कुमारी के नेतृत्व में बुधवार को संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण इन स्वास्थ्य कर्मियों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। इस वजह से इन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना अब मुश्किल हो रहा है। उधर अस्पताल प्रबंधक के द्वारा वेतन भुगतान के लिए हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि अगर जल्द वेतन भुगतान नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन को तेज करने को विवश होंगे। इस धरना प्रदर्शन के मौके पर CHO कंचन कुमारी, नैन्सी हांसदा, पायल कच्छप, अनिमा टोप्पो, मेनका कुमारी, उषा कुमारी समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। हमारे संवाददाता आलोक कुमार की रिपोर्ट, साहिबगंज, झारखंड से। रेडी बोलो जी सर। आज हमारे अस्पताल परिसर में NMDD और CHO के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उसका मेन कारण था कि उन लोगों को सैलरी नहीं मिला है। सैलरी हम लोग इसलिए नहीं दे पाए कि हमारा SBI से ICICI बैंक में चेंज हो गया है, लेकिन हमारा बैंक अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। हम सारे स्टाफ का नाम लेकर इनरोलमेंट के लिए ICICI बैंक को भेज दिए हैं। जब तक वो सारा इनरोलमेंट नहीं होता तब तक हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हमारा फंड आया हुआ है, लेकिन इसी कारण हम लोग जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में इन लोग का पेमेंट करते हैं। तो सर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? वो बैंक में ही। तो सर बैंक में अगर ट्रांसफ़र किया जाए तो ये लोग बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम है। मैक्सिमम 7 डेज सर इस प्रोसेस में लगते हैं। हम लोग लगे हुए हैं, बराबर मेरी बैंक से बात हो रही है। हम लोग जो भी उसके लिए जो मतलब प्रोसेस में लगता है हम लोग लगे हुए हैं। ये सूचना CSR को भी है, CSR ने बैंक मैनेजर को बुला के उनसे बात भी की थी। सवाल किया था, मांग लेंगे CSR से, अगर ऐसा होगा तो जरूर करेंगे हम भी। CHO है हम। क्या आप लोग की तकलीफ है? हम लोगों का तकलीफ यही है कि हम लोग को पेमेंट का नहीं दिया जा रहा है। अभी हम लोग का 7वां महीना चढ़ गया, अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग का बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग को प्रबंधक क्या बोल रहे हैं आप लोगों तनख्वाह के लिए? प्रबंधक तो बोल रहे हैं कि देंगे, लेकिन कब तक देंगे वो पता नहीं है। पूर्व से जानकारी यही दिए थे कि हम लोग को पहले सर से पूछ लिए थे, BPM सर से, कि सर हम लोग को पेमेंट कब तक मिलेगा। तो बोले थे कि उन लोग उसको भी शायद ठीक से पता नहीं होगा। बोले थे कि इस मंथ तक हो जाएगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं किए क्योंकि ये राष्ट्रीय टीकाकरण के लिए चल रहा है जिस सर के द्वारा, इसीलिए हम लोग उसमें कुछ ये नहीं किए। तो हम लोग बस ऐसे ही मौखिक बोल चुके थे कि 1 तारीख को हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। कुछ लिखित नहीं दिए थे।